चस्के ही हो, चस्के तो चस्के ही होते हैं, चाहे वो पटियाला पैग लगाने का चस्का हो, चाहे वो कॉफ़ी पीने का चस्का हो। और मुझे जो चस्का है वो है कॉफ़ी पीने का चस्का। और मुझे जो ये चस्का है कॉफ़ी पीने का बचपन में ही लग गया था। अक्सर बचपन में हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में किसी फंक्शन में या किसी मैरिज फंक्शन में जाया करते थे, तो उस फंक्शन में हमें कॉफ़ी पीने का मौका मिलता था। और वो जो कॉफ़ी होती थी वो बड़ी बड़ी मशीनों से, टेंट हाउस वाली जो मशीनें होती थी मिल्क को फ्रॉथ करके जो बनाते थे, तो वो कॉफ़ी हमें उस टाइम में पीने को मिलती थी, जो आज भी मिलती है कई जगह पर। तो उस कॉफ़ी को पीने का मज़ा अपना ही अलग ही मज़ा हुआ करता था। पर आज कॉफ़ी बनाने का और पीने का तरीका भी बदल चुका है, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉफ़ी बनाने की रेसिपी। तो बने रहिए मेरे साथ में, बनाते हैं इन कॉफ़ी को। नमस्कार, मैं हूं शेफ एडी और आप मेरे साथ मेरे किचन में यानी कि कुक स्टूडियो में। भाई चस्के तो चलते ही रहेंगे सारे, पर जो कॉफ़ी का चस्का है वो आसानी से चुका नहीं है। जो बना के दिखा रहा हूं वो है एक कोल्ड कॉफ़ी, जो कि मेरी सीक्रेट रेसिपी है, और एक है हॉट कॉफ़ी जो कि रेगुलर कॉफ़ी हम लोग पीते हैं। तो इन कॉफ़ी को बनाने के लिए मैं कॉफ़ी पाउडर यूज़ नहीं करूँगा, और इनको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है कॉफ़ी बीन्स के पाउडर को। तो चलिए बनाते हैं इन कॉफ़ी को। तो शुरुआत करते हैं कोल्ड कॉफ़ी से, और कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए कैरेमल। तो पहले कैरेमल बनाएंगे हम। ये जो कैरमल मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा टॉफी फ्लेवर में बनाऊंगा। अब बनाएंगे कॉफ़ी डिकॉक्शन, और कॉफ़ी डिकॉक्शन को बनाने के लिए मैंने कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड किया हुआ है। और इसको कर देंगे अच्छे से बंद, और कर देंगे अच्छा शेक, और इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कलर है कॉफी का इस डिकॉक्शन में अच्छे से आ जाए। तो बनाते हैं इस कोल्ड कॉफी को। इसको कर देंगे आप ब्लेंड। ये हो गया ब्लेंड, अब करते हैं इसको सर्व। तो बनाते हैं पहले हॉट कॉफ़ी को। दूध को करेंगे गर्म, और उसी दूध से बनाएंगे हम लोग थोड़ा सा फ्रॉथ। और ये जो फ्रॉथ है इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें हमें दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना है।
तो इस कॉफ़ी का चस्का हमेशा बरकरार रहना चाहिए।